आजाद अध्यापक संघ शिल्पी सिवान की प्रांतीय कोर कमेटी द्वारा संपूर्ण प्रांत में पूर्व निर्धारित शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी तारतम्य में जिला कोर कमेटी के जिला अध्यक्ष मधुकर उपाध्याय द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया था और यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट प्रांगण में स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। प्रांत कोर कमेटी के द्वारा नव नियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया गया। देवराज मांझी द्वारा देशभक्ति गीत गाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम के अंत में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा जिला महासचिव किरण कुमार अरे द्वारा बताई गई। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। बताया आज जो आपने आज प्रोग्राम आज के दिन हम आजाद अध्यापक संघ बहन श्रीमती शिल्पी सिवान जी के नेतृत्व में जो हमारी प्रांतीय अध्यक्ष हैं पूरे मध्य प्रदेश में हम आजाद श्री चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि सभा। इसके बाद हम बहन जी के नेतृत्व में जो अध्यापक संघर्ष में अध्यापक हित में जो राज्य शासन से हम लोगों का शोषण हो रहा है उसके विरोध में हम चरणबद्ध तरीके से आगे कार्य योजना करके कार्य करेंगे और हम आप लोगों को भी अवगत कराएंगे कि किस चरणबद्ध तरीके में हम कैसे आजाद अध्यापक संघ के आह्वान पर आगे कार्य करेंगे। पदाधिकारियों के आह्वान पर हर जिले में बहन शिल्पी सिवान ने ये चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि मनाने का ठीक है ना निर्देश दिए थे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने हर जिले में हर संभाग में संभाग स्तर पर ब्लॉक स्तर पर तहसील स्तर पर उनकी पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा था, जिसके उपलक्ष्य में अभी ये कार्यक्रम जारी है। आगे भी उनके नाम पर संगोष्ठियाँ की जाएंगी और जो हमारा संघ है जो वो भी चंद्रशेखर आजाद के ही नाम पर तो उनके ही जो थीम है उसके ही अनुसार हम लोग भी अपना संगठन चलाते हैं। अपनी जो जायद मांगे हैं वो भी आजाद जी के से ही प्रेरणा लेके राष्ट्र के प्रति अपना जो कर्तव्य है उनके दायित्वों को निर्वहन करते हुए लगातार जारी रखें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।